नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई वी से रिलेटेड। जी हाँ, वी में जानना आपको जरूरी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया के लोग तो भाई सबसे ज्यादा वी में ही रहते हैं, वी में ही जाने वाले हैं। दुबई की हम बात करें तो, और वी की कंडीशन ये है कि कोरोना के मामले आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। हालांकि वैक्सीन है, कंट्रोल कर लिया जाएगा नो डाउट, लेकिन एक चिंता का विषय बन जाता है। इसको देखते हुए सरकार ने काफी सारी जगह कंट्रोल किया था कि भाई किस तरह से, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी आपने भी पढ़ा होगा कि जो सरकारी कार्यालय 70% कर दिए हैं, 30% ऑफिस में आपको करना होता है, 70% होमवर्क करना, मतलब इस तरह से कुछ सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पूरी वी से रिलेटेड, एक्चुअली दुबई के बारे में बात नहीं करेंगे। वी में 7 अमीरात है, आपको सबको पता है, 7 स्टेट अलग अलग हैं, जिसमें उसमें कोरोना से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रस अल खेमा, उम अल या फिर जुमेरा। जी हाँ, इनसे रिलेटेड 7 स्टेटों की हम पूरी गवर्नमेंट ने वहां की क्या क्या नियम बनाए, आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडिया से जाने वालों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए भाई क्या कंडीशन है वहां के लोग हैं। आप जैसे रह रहे यूए में, तो आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां की सरकार ने क्या नियम है, 7 स्टेटों का मैं अलग अलग बताऊंगा, तो गौर से ये वीडियो देखने की आपको जरूरत है। अगर बात करें 22 फरवरी तक की, जी हाँ 22 फरवरी तक की अगर वी की बात करें कोरोना की, तो लगभग 370,425 केस अभी तक एक्टिव केस आए हैं। उनमें से डेथ की बात करें तो बता दूं 1125 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है, जो कोरोना से मर चुके हैं। जी हाँ, अगर रिकवरी की बात करें तो भाई तो 360,000 के करीब रिकवरी है, यानी एक्टिव केस ज्यादा नहीं है, 10,000 के करीब है। ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है छोटी कंट्री को देखते हुए, तो इतने केस को ज्यादा नहीं है, रिकवरी कर ली जाएगी जल्दी, और वैक्सीन चल रही है तो उसकी वजह से अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन अब हम बात करेंगे 7 स्टेटों में वहां की लोकल सरकारों ने क्या नियम बनाए हैं। अगर आप अबू धाबी में हैं, कोई कहीं पर भी हैं, दुबई में हैं, अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा, वो भी सख्ताई के साथ, वरना आपको बताया जुर्माने के मामले में वे नंबर वन आता है, सबसे ज्यादा जुर्माना वसूलने के मामले में। तो चलिए अपन शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम साथियों दुबई से रिलेटेड हम बात करेंगे भाई कोरोना काल में दुबई की क्या स्थिति है। तो बता दूं वहां के जो मनोरंजन के साधन है, मैं बता दूं जैसे पब है, बार है, बंद कर दिए गए बढ़िया तरीके से, उनके ऊपर कुछ भी आप अगर आप जाते थे पहले या अभी जा रहे हैं, लेकिन अभी इसको कोरोना को देखते हुए स्टॉप कर दिए गए। शॉपिंग मॉल में मैं बता दूं 70% तक ही अलाउ है, 70% के ऊपर जैसे पहले भीड़ भाड़ होती थी उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया। आगे हम बात करें सिनेमा, जैसे सिनेमा हॉल हो गए, उनके साथ मनोरंजन के जैसे खेल के स्टेडियम वगैरह जितने भी फुटबॉल वगैरह जो होते थे उनके ऊपर 50% की एक लिमिट कर दी कि उसकी जो क्षमता है 50% के लोग ही जा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। होटल की अगर बात करें तो 70% तक अलाउ कर दिया है कि 70% तक जितने भी बुकिंग होती है या होटल वाले होते हैं वो 70% तक काम कर सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आगे बात करें जैसे होटलों में स्विमिंग पूल है, निजी समुद्र तट के अंदर मेहमानों की कुल क्षमता का जो है उसको बता दूं 70% तक कर दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हालांकि पहले 30% था, लेकिन अभी ठीक है, कुछ कंट्रोल किया ज्यादा नहीं है। जैसे रेस्तरा है, कैफे है, ये आप 1 बजे से बाद में उनको बंद करना होगा, 1 बजे तक की उसको अलाव है, 1 बजे के बाद नहीं चला सकते। उनमें अगर परिवार में किसी भी तरह की कोई गतिविधियां या आयोजित की जाती है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे रेस्तरा कैफे में कुछ होता है उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये बात है दुबई से रिलेटेड। अब ये बात अगर हम दुबई अबू धाबी से रिलेटेड बात करेंगे भाई अबू धाबी की गवर्नमेंट ने क्या कुछ नियम बनाए, तो मैं बता दूं सबसे पहले बता दूं सरकारी अर्ध सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति 30% कम कर दी गई, यानी 70% लोग ही वहां पे जाके ऑफिस में काम करेंगे, बाकी 30% वर्क फ्रॉम होम, यानी होम से उनको बोल दिया गया कि आप होम से काम करिए। फरवरी में बता दूं शादी विवाह समारोह में इनमें सब पे कंट्रोल कर दिया गया है, और मेहमानों की संख्या मात्र 10 कर दी गई है, 10 से ज्यादा शादी में लोग अटेंड नहीं कर सकते। शोक संस्कार हो या फिर अंतिम संस्कार हो सेम कंडीशन रखी गई है। पार्टी सभाओं में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
सभी अकुशल कारीगर, मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मजदूरी का काम करते हैं एक तरह से ब्लू कॉलर जॉब वाले, उनको साप्ताहिक यानी सप्ते में एक पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, वो कंपनी करवाएगी, कंपनी की जिम्मेदारी होगी। आगे हम बात करें तो सिनेमाघर हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जब तक आगे कोई सरकार की घोषणा नहीं होती है। मॉल की बात करें तो 40% कम कर दिए गए, यानी 60% ही वहां पे ओपन होगा, यानी एक सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। उसके बाद में ये 40% के मतलब 60% के ऊपर नहीं जाने वाला, 40% कम कर दिया गया। रेस्टोरेंट है, काफी शॉप है, होटल, पब्लिक जो पार्क वगैरह है उसपे 50% की क्षमता पर काम करना होगा, 50% से ज्यादा वहां पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। स्पोर्ट्स हॉल में एक साथ में बता दूं 50% से क्षमता ज्यादा नहीं है, जैसे फुटबॉल वगैरह है, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई गतिविधि होती है तो 50% ही वहां पे वो बुकिंग ले सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे जिम हो गया, निजी समुद्र तट, स्विमिंग पूल में 50% से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। टैक्सी और बसों में मैं बता दूं 45% से 75% अक्षमता पर काम करेंगे। टैक्सी में बात करें तो 45% का क्या मतलब होता है भाई, एक बंदा दो बंदा बस। और अगर बस में बात करें जिसमें 100 सवारी बैठती हैं, उसमें 75 से ज्यादा नहीं बैठ सकती, ये अबू धाबी का गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। अगली सूचना था, अगर शारजा की बात करें तो भाई शारजा ने भी अपने तरीके से कुछ नियम बनाए, हालांकि सेम सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सभी जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, अर्ध सरकारी कर्मचारी हो गए, उनको कोविड परीक्षण करवाना अनिवार्य बताया गया है। जी हाँ, आगे जैसे शॉपिंग मॉल है या फिर कोई भी मॉल वगैरह है या शॉपिंग सेंटर है, उनमें 50-60% की बताया गया, 60% तक की क्षमता है, 40% को स्टॉप कर दिया गया, यानी 60%, यानी 10 लोग जहां जा रहे थे अभी 6 लोग ही जाएंगे। सिनेमाघर हो गया, मनोरंजन केंद्र हो गया, इनकी जो है ना क्षमता मात्र 50% कर दी गई, घटा दी गई है। जिम है, फिटनेस ट्रेनर है, उनकी क्षमता 70% तक वहां पे रखी गई है। जी हाँ, वहां पे 50% तक की रखी गई है, बाकी उसको खाली रखना होगा। पहले 100% हो गया था, आपको पता है दुबई में सब कुछ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इनको करना पड़ा। पार्क समुद्र वगैरह में 70% की छूट दी गई है, 70% तक जो पर्यटक है वो वहां पे जा घूम फिर सकते हैं। आगे अगर बात करें संगीत कार्यक्रमों को 4 सप्ताह यानी 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया, बढ़िया तरीके से कोई शादी वगैरह हो ही नहीं सकती, अगर शारजा की बात करें तो। जी हाँ, शादी विवाह हो गया या फिर कोई मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसमें 10 से 20, इससे ज्यादा नहीं है शादी वगैरह, 10 लोगों की शादी होनी चाहिए, या फिर कोई डेथ हो जाती है तो 20 लोगों से ज्यादा अनुमति नहीं मिल सकती है। जी हाँ, आगे बात करें जैसे होटल वगैरह हो गए, अधिकतम 4 लोगों को बैठने की एक टेबल पे सुविधा है, अगर वो एक परिवार के नहीं है तो, एक फैमिली के हैं तो भाई सब बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें अजमान में, तो अजमान में भी सेम कंडीशन ये है, जो होटल वगैरह है नाइट में चलते थे पूरी नाइट में, वो 12 बजे तक बंद हो जाने चाहिए, ये शारजा जो अजमान उस गवर्नमेंट है उन्होंने आदेश दिया है। आगे शादी वगैरह इवेंट में 50% का बताया गया है। सरकारी और सरकारी कर्मचारी हैं, 7 दिन में उनको कोविड टेस्ट परीक्षण करवाना होगा। जी हाँ, बाकी अगर 3 स्टेट और हैं जैसे अल कवेन हो गया, रस अल खेमा हो गया, या फिर लास्ट में फुजेरा की बात करें तो सेम कंडीशन इसमें भी यही है, तीनों सेम ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं इसमें, 60% तक क्षमता होनी चाहिए, जो संचालित जितने भी हॉल हैं सिनेमा वगैरह या फिर जो भी होटल वगैरह मॉल वगैरह सब बताया गया है। शादी समारोह रद्द कर दिए गए, इसमें शादी वगैरह आगे अगले आदेश तक स्टॉप कर दिए गए हैं। शादियों में 10 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, अगर किसी की मौत हो जाती है तो 20 से ज्यादा नहीं जा सकते। समुद्र वगैरह जहां पे लोग घूमने जाते थे, पार्कों में भीड़ बढ़ती थी, वहां पे 70% तक लागू इसको कर दिया गया है। सिनेमा हॉल वगैरह 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम सेम है, ज्यादा कोई है नहीं, तो बस ये अपडेट अभी तक निकल के आई है। बाकी अगर जैसे कोई नई अपडेट आती है हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।